दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कि किस तरीके से अपने सेंडिक्स के पेन ड्राइव को अपने रियलमी की टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इसमें जो वीडियो फोटो या सॉन्ग है उसको हम कैसे सुनेंगे अगर हमें अपने टीवी में सुनना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी के साथ में लगाना है। तो यहाँ पर पीछे आपको यूएसबी दिख रहा है, उसी में आपको अपने पेन ड्राइव को जो है लगाना है। तो यहाँ से चलिए हम अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी में लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी के साथ में लगा लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने रिमोट के फंक्शन के बारे में जानना होगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है। तो यहाँ पर आपको अप वाला जो बटन मिलता है, इससे आपका ऑप्शन जो है वो अप की ओर स्लाइड होगा, और जो यहाँ पर नीचे का बटन मिलता है आपका जो ऑप्शन है वो नीचे की ओर स्लाइड होगा। और यहाँ पर आपको राइट साइड का बटन मिलता है और लेफ्ट साइड का बटन मिलता है, और जो ये एरो का बटन दिख रहा है इससे आपका वेक होगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम अप वाले बटन को प्रेस करके जो है ये वाला ऑप्शन जो है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे लाना है। इससे क्या होगा, हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारा जो पेन ड्राइव वो हमारे टीवी के साथ में कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बीच वाले बटन से ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमारे जो पेन ड्राइव का नाम है वो यहाँ पर चीज़ दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं दिख रहा पेन ड्राइव का, तो जान लीजिए आपका पेन ड्राइव जो वो आपके टीवी के साथ में कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने पेन ड्राइव को चेक कर लेना है कि कनेक्ट है या नहीं। उसके बाद में सिंपली हमें जो बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको नीचे की नीचे वाले ऑप्शन पर लाना है, इस वाले लाइन में लाना है, आपको इस वाले सेक्शन में आपको लाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मीडिया प्लेयर का, ध्यान दीजिएगा आपको मीडिया प्लेयर वाले ऑप्शन पर लाकर बीच वाले बटन से आपको ओके कर देना है। जैसे आप बीच वाले बटन से ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जो है तीन ऑप्शन मिलता है। पहला वीडियो का ऑप्शन मिलता है, और जो दूसरा ऑप्शन मिलता है पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, और जो तीसरा ऑप्शन मिलता है म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो वाले ऑप्शन में जाना होगा, और अगर आपको फोटो देखना है तो फोटो वाले ऑप्शन में जाना होगा, और अगर आपको सॉन्ग वगैरह सुनना है तो जो है आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाना होगा। तो यहाँ से मैं आपको जो है वीडियो वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं केवल वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में आना है। अगर आपको अपने पेन ड्राइव का डाटा देखना है तो यहाँ से आपका जो पेन ड्राइव शो हो रहा है रिमूवेबल डिस्क, इस वाले ऑप्शन में आपको अपने पेन ड्राइव का डाटा मिल जाएगा। और अगर आपको अपने टीवी का डाटा देखना है, यानी आपके टीवी का जो स्टोरेज है 4GB या 8GB जो स्टोरेज हो उसको अगर आपको देखना है तो SD कार्ड वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अपने पेन ड्राइव का डाटा देखना है तो हमें क्या करना है, रिमूवेबल डिस्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके रिमूवेबल डिस्क में जो भी वीडियो होगा वो चीज़ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको कोई एक वीडियो जो है प्ले करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इस वाले वीडियो को जो है प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए हमारा जो वीडियो है वो प्ले हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो रखा हुआ डाटा फोटो वीडियो या सॉन्ग वगैरह है उसको हम सुन सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो है स्क्रीन मिररिंग से लेकर कई सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप अपने मोबाइल को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी आपके मोबाइल में जो डाटा वगैरह वीडियो वगैरह है आप कुछ भी अपने टीवी में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।